साधु संघ बहुत बड़ा विषय है। आदो श्रद्धा तथा साधु संघ, साधु संघ का अर्थ है साधुओं की सेवा करना, संघ का अर्थ यह है कि वो कहे उनके मुताबिक उनकी सेवा में लगना, या वो कहे उनके मुताबिक राधा कृष्ण की सेवा में लगना, इनका अर्थ है साधु संघ। साधु संघ नॉट लिप सर्विस, लिप सर्विस का अर्थ है खाली बोलना और करना कुछ, बोलना कुछ कहना कुछ करना कुछ, मुख में राम बगल में छुरी, ये साधु संघ नहीं है। साधु संघ मीन्स साधु मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं, उनको पूछो, साधु को पूछो मैं क्या करूं, आपके लिए क्या सेवा करूं, तो ये साधु संघ है। साधु संघ इज आर्ट, साधुओं के साथ संघ करने का की कला सीखनी चाहिए। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे सर्वोत्तम कला चैतन्य महाप्रभु ने चार शब्दों में कही, तभी भाव जागृत होगा। भाव, वो चार चीजें कौन सी हैं? तृणादपि सुनिचेन, तरोरेव सहिष्णुना, अमानिना मान देने, ये चार चीजें, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम। हम क्या करते हैं? हा धनम हा जनम हा सुंदरिम हा कविता पंडिताय और मान, मैं मुझे मान मुझे गद्दी का मालिक मैं, पहली प्लेट प्रसाद की मेरी, पहले मेरा मान बाद में आपका अपमान, ये साधु संघ की आर्ट नहीं है। दिस इज साधु संघ इज आर्ट, ये कला है, बहुत बहुत बड़ी ऊंची कला। ये चार चीज कोई करता है उनके लिए भाव, यहाँ भाव की बात कर रहे हैं ना, भावेर परम काष्ठा, भाव, ये चार चीज जो करेगा उनके लिए भाव बिल्कुल नजदीक है। तृणादपि सुनिचे न तरोरे वसैस, अमानी न मान दे, नयनम अश्रुधारया गिरा, पुलक निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे। तो नयनम गल गद गद अश्रु और हृदय सुकोमल मक्खन की तरह होना और कंपन रोटे भाव में खड़े होने, ये भाव की निशानी, ये भाव का चिन्ह है, भाव के चिन्ह। सत अष्ट सात्विक भाव, ये भाव आगे आएगा, अभी तो हम साधु संघ की बात कर रहे हैं। तो ये साधु संघ करने का तरीका है, तृणादपि सुनिचे सुना अमानिना मान देना, ये साधु संघ करने का तरीका है।